तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। पार्टनर भाई ये मूवी 2007 में आया था और इसमें हमें बहुत सारा कॉमेडी के साथ अच्छे अच्छे गाने भी देखने मिला था। पर थोड़ा सा दुख की बात ये है कि बॉलीवुड का ये ब्लॉकबस्टर फिल्म भी इंस्पायर्ड निकला और ये इंस्पिरेशन फिल्म मेकर्स को थोड़ा महंगा भी पड़ा। लेकिन वो क्यों कैसे हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो अभी चलो हम दोनों मूवी का स्टोरी देख लेते हैं। अच्छा पार्टनर में हमें देखने मिला था भास्कर दिवाकर चौधरी नाम का एक लड़का को प्रिया जयसिंह नाम का एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन ये भाई साहब प्रिया को ये बात बता नहीं पाते तो ये प्रेम नाम का एक लव गुरु का हेल्प लेते हैं, जिसके बाद वो प्रिया के बहुत करीब भी आ जाते हैं। फिर यहाँ हमें हमारा लव गुरु का भी थोड़ा सीन देखने मिलता है कि वो भी नैना नाम की एक लड़की से प्यार कर बैठते हैं और ये सब ठीक ठाक चल रहा होता है कि नैना की फ्रेंड को कोई धोखा दे जाता है, जिसके बाद नैना प्रेम के ऊपर भरोसा करना छोड़ देती है और प्रिया भी भास्कर को काम से निकाल देती है, क्योंकि नैना की वजह से सब समझ रहे होते हैं कि वो लड़की का धोखा वाला कांड के पीछे प्रेम भाई साहब का हाथ है। लेकिन सच को तो सामने आना ही था, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का हैप्पी एंडिंग भी होना था। तो प्रिया और नैना को समझाने के बाद वो लोग ये बात समझ जाते हैं और भास्कर और प्रेम को माफ करके अपना लेते हैं। तो भाई ये था पार्टनर की कहानी और ऐसा ही कुछ हमें अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हिच में भी देखने मिला था, जो कि 2005 में आया था और ये दोनों मूवी का कुछ सीन भी मैच करता है, तो आप ये कुछ सीन को देख सकते हो। तो भाई अब सवाल आता है इंस्पिरेशन कैसे महंगा पड़ा। देखो भाई आपको तो पता ही होगा ये इंस्पायर्ड वाला फंडा पहले से चलते आ रहा है और ऐसे ही बहुत सी फिल्में बहुत सारी इंडस्ट्री में बना भी लेते हैं, लेकिन कभी भी कोई कुछ नहीं कहता। पर यहाँ पार्टनर के साथ थोड़ा उल्टा हो गया। इंटरनेशनल फिल्म कंपनी वालों ने इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया, लेकिन बाद में वो लोग आपस में बात करके उस बात को निपटा दिया गया। डेविड धवन भाई साहब भी कमाल करते हैं यार। भाई देखो आपने अगर हिच फिल्म देखा है तो आपको पता होगा दोनों फिल्म का बहुत से डायलॉग भी बिल्कुल सेम था। अरे वो 10 में से 8 लड़की वाला बाद भी यार। लेकिन पार्टनर में कुछ और सीन भी जोड़ा गया था, जैसे कि लव गुरु बनने की वजह हिच में हिच को धोखा मिलने की वजह से बना था, पर पार्टनर में ऐसा नहीं था। फिर नैना की बच्चा, प्रिया की शादी, एक्स्ट्रा गाने, हनीमून, ऐसे कुछ छोटी मोटी बातें ऐड किया गया था जिसे देखकर मजा भी आता है, पर फिर भी फिल्म का मेन प्लॉट तो वही रहता है ना भाई। हाँ एक और बात, कुछ भाई समझते हैं कि ये हिच मूवी जो है वो हमारा बॉलीवुड का छोटी सी बात मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। भाई देखो अगर ये सच भी हुआ ना तो भाई हमें फिर से एक बार दुख के साथ कहना पड़ेगा कि ये छोटी सी बात फिल्म भी 1960 का ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंडरल से इंस्पायर्ड हुआ है। यार वो सब छोड़ो यार, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो भाई ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।